रीवा के गल्ला मंडी में सिंह गुरुद्वारा कमेटी ने एक बार फिर स्वास्थ्य शिविर लगाया। हालांकि सिंह गुरुद्वारा कमेटी के लिए ये कोई नई बात नहीं, इस बार नेशनल अस्पताल के डॉक्टर अखिलेश की पूरी टीम शिविर में मौजूद थी। लगभग जब हमारी टीम ने दौरा किया 200 से 250 मरीजों को देखा जा चुका था, तमाम तरीके की आधुनिक मशीनों का भी इस्तेमाल किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूँ रीवा के गल्ला मंडी में, गुरुद्वारे में। सिंह गुरुद्वारा काफी प्रतिष्ठित सम्मानित गुरुद्वारा, यहाँ पर समाज सेवा के काम अक्सर ही किए जाते हैं, उसी में से एक है यहाँ पर लगा हुआ स्वास्थ्य शिविर। आप अपने स्क्रीन पर एक टीम दिखाई दे रहे होंगे, ये टीम लगातार समाज सेवा के कार्य में जुटी रहती है। आज यहाँ पर शिविर है, शिविर को लेकर आज बातचीत करूंगा। किस तरीके का शिविर है? सर, ये निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर है जो कि विगत 27 वर्षों से गुरुद्वारा सिंह सभा गल्ला मंडी के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य है निष्काम और निस्वार्थ मानव सेवा और जन कल्याण। जन कल्याण के लिए हम पिछले 27 साल से, ये आंकड़ा छोटा नहीं है, 27 साल से लगातार एक शिविर का आयोजन किया था। किस तरीके से आप तैयारियां करते हैं? हमने जैसे भी पता चलता है कि हमने शिविर लगाना है, उसकी पूरी तैयारी खाने पीने से लेकर दवाइयों से लेकर सब चीज़ें मुताइन से फ्री मुताइन होती हैं, उनके हिसाब से मुताइन का काम किया जाता है। हमारी कमेटी की मदद बहुत तगड़ी है और सब काम उनका निःशुल्क है, काम निःशुल्क करते हैं। जिस तरीके से आप स्वास्थ्य विभाग से लगातार जुड़े हुए हैं, इस तरीके के शिविर में जाते हैं, बाकी शिविर और इस शिविर में क्या अंतर आपको दिखाई देता है? मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे रीवा जिले में पंजाबी समाज द्वारा लगातार सिख समाज द्वारा ये इस तरह के अनवरत शिविर आयोजित किए जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि सेवा का दूसरा नाम ही समाज का है, और इस समाज ने आगे बढ़कर जब भी आवश्यकता पड़ी है, हम लोगों ने स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया है, आवश्यकता पड़ने पर रक्तदान शिविर भी आयोजित किया है। विगत 25 वर्षों से हम लोग अनवरत हमारे यहाँ गुरुद्वारा गल्ला मंडी में ही निःशुल्क औषधालय भी चलाया जा रहा है, जहाँ मरीजों की निःशुल्क जाँचें करके ब्लड प्रेशर शुगर और जो उनको आवश्यकता है वो दवाइयाँ दी जाती हैं। साथ ही समय समय पर हम लोग वृहद स्तर पर शिविर आयोजित करते हैं, समय समय पर बड़े स्तर पर हम शिविर आयोजित करते हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ हम एक औषधालय भी चलाते हैं, निःशुल्क दवा का वितरण भी करते हैं। क्या कह रहे थे आप? जैसे आज के हमारे शिविर में हम लोग विशेषज्ञों को बुलाते हैं, हमारे पास सर्जन, मेडिसिन के डॉक्टर, ऑर्थोपेडिशियन, चेस्ट फिजिशियन, गायनकोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, इस तरह का हमारी पूरी एक टीम रहती है। जो भी ऐसे मरीज है जिनको जो भी रिक्वायरमेंट रहती है, हमारे डॉक्टर्स टीम जांच करती है और उनको निःशुल्क दवाइयाँ दी जाती हैं। क्या कहेंगे आप? सीधा सही सही परामर्श देते हैं, जिस मरीज को जो भी तकलीफ हो उसको उस पर्टिकुलर डॉक्टर के पास भेज के उसको उस तरीके का ट्रीटमेंट करवाया जाए। यहाँ पर लगातार जिस तरीके से आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जांच चल रही है, तमाम तरीके के एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर लगातार आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोगों की जांच चल रही है। हमारे साथ यहाँ पर एक वरिष्ठ डॉक्टर भी मौजूद है। मैं डॉक्टर अखिलेश से बात करूं, उसके पहले आपको बता दूं, कैंसर का रीवा में एक बड़ा अस्पताल, बड़ा नाम। जैसा कि अभी सिंह गुरुद्वारा कमेटी कह रही थी कि हम यहाँ पर बड़े डॉक्टर को भी बुलाते हैं, तो उसी तरीके से एक बड़ा नाम हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, इस शिविर में आकर आपको किस तरीके की अनुभूति हुई, किस तरीके के पेशेंट मिले? गुरुद्वारे द्वारा आयोजित इस शिविर में काफी ज्यादा मात्रा में मरीजों की संख्या देखने को मिली है। व्यवस्थाएं बहुत ही उत्तम दर्जे की गई हैं, मरीजों को कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं है, हर चीजें व्यवस्थित और सुचारू तरीके से चल रही हैं। यहाँ पे लंगर की व्यवस्था मरीजों को की गई है, जो मुझे देखने में शायद पहली बार ही लगा है कि मरीजों को भी यहाँ पे खाना दिया जा रहा है, जो कि एक अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। रही बात चिकित्सकीय मदद की, तो इस पे हमने मेडिसिन विभाग, सर्जरी विभाग, गायनी विभाग, बाल्य रोग, शिशु रोग विभाग, दंत रोग विभाग, कोरोना के बाद से एक स्पेशल विभाग आया है छाती रोग विशेषज्ञ, जिसे पल्मोनोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। हड्डियों की घनत्व की जांच के लिए बोन मैरो डेंसिटी। सर, बीच में रोकूंगा। जी जी, इस समय एक बार फिर से कोरोना की आहट सुनाई दे रही है, तो जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उनके लिए क्या सुझाव है, ये भी बता दीजिएगा। कोरोना के लिए वही अपना पुराना स्लोगन है, सुरक्षा ही बचाव है, 2 गज जरूरी, मास्क है जरूरी। रीवा में हालांकि अभी इसका कोई मतलब कंफर्म केस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है, पर हाँ यही है, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें और पुराने जो हमारे नियम हैं पहले से कि हाथ धो करके खाना खाएं, घर में आए तो नहा लें, कपड़े बदल लें,
प्रॉपर सैनिटाइज तरीकों का उपयोग करें, यही इसके लिए एक आम जनमानस को हमारी बात जी हमारी बात वहां पे थी कि हमारे सारे स्पेशलिटी के लोग आ चुके हैं और लगभग अभी तक में 150 से 200 तक जहां तक मुझे जानकारी है इतने लोगों को 200 तक लोगों को अपन ने चिकित्सकीय निःशुल्क परामर्श दिया है, साथ में दवाओं का भी निःशुल्क वितरण हुआ है, जांचें भी निःशुल्क की जा रही हैं, कुछ स्पेशल टेस्ट है। उसमें से एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि कोरोना के बाद से जो फेफड़े की समस्या हुई है उसके लिए एक अलग से मशीन आती है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, उसकी भी हमने यहाँ पे एक सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई है और काफी लोगों ने उसकी जांच कराई है और उसमें से लगभग 60-70% मरीजों में कमियां आई गई है। मतलब मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, अगर आपको दिक्कत ना हो तो उस मशीन के पास अगर हम लोग चल रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसा कि डॉक्टर साहब साफ तौर पर बता रहे थे, यहाँ एक ऐसी मशीन भी आई है जो फेफड़े की जांच करेगी। आज हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं वो मशीन किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से ये मशीन। हाँ, इस मशीन ये बताइए जरा इसके बारे में कुछ। ये हमारे टेक्नीशियन है, ये हमारी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की मशीन है, टेक्नीशियन इस बारे में एक्सपर्ट है, कैसे ये करते हैं ये थोड़ा सा डेमोंस्ट्रेट करें। बताइए कैसे करते हैं इसको। सर, पेशेंट को सबसे पहले बैठा लेते हैं अपन और ये माउथ पीस इसमें इंक्लूड करते हैं, उसके बाद फिर पेशेंट को मतलब इनहेल और एक्सहेल करने के लिए उसको बोला जाता है, और उसके बाद सर पहले प्री ट्रायल होता है, फिर उसके बाद ये आपको डायलेटर देने के बाद 5 मिनट इसको वेट कराते हैं और 5 मिनट बाद फिर उसका पेट पोस्ट ट्रायल करते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई फेफड़े की बात जी। जिस तरीके से अगर मरीज, जैसे आपने बताया कि ज्यादा निकल रहा है, अब उनको किस तरीके से आपने सलाह दी किस तरीके से बचाओ, क्योंकि जो नहीं भी करा पाए वो आपको देख रहे हैं इस समय, उनको भी सलाह पता तो चले। कोविड के बाद अक्सर देखा गया है कि बॉडी में थकान सी रहती है, सांस लेने में तकलीफ रहती है, सीने में आगे या पीछे की तरफ हरारत सी या किसी को दर्द जैसा या चुभने जैसा भारी भारीपन जैसा ऐसा लगता है, तो वो दो ही कारणों से सामान्यता होता है, या कि हार्ट की समस्या होगी और कोविड के बाद से हम मान के चले कि वो फेफड़े की ही समस्या है। तो नजदीकी जो भी उनके पल्मोनोलॉजिस्ट हैं या मेडिसिन के डॉक्टर साहब हैं उनको दिखाएं और उनकी सलाह पे ये जांच कराएं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बता दिया, अब मैं आपसे ये कहूंगा कि जरा डॉक्टर साहब आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जरा और भी कर लेता हूँ। अब हमारे साथ आज ये आप लोग लगातार जिस तरीके से शिविर का आयोजन करते हैं, क्या क्या यहाँ पर करवा रहे हैं जरा अब आप एक बार पूरे शिविर को टहला के हमें बता दीजिए। मैं तो पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने समय निकाला हमारे शिविर के लिए। यहाँ हम मरीज का रजिस्ट्रेशन से लेकर उनके जाने से खाने तक की पूरी व्यवस्था करते हैं, और अभी हमने एक नया टेस्ट यहाँ चालू किया, अभी आपने स्पायरोमीटर का देखा फेफड़े का, अभी हम बोन डेंसिटी होती है, ये बोन डेंसिटी हो रही है, बोन डेंसिटी क्या होती है वो हो रहा है जरा आप बताइए। बोन डेंसिटी में ये है कि हमारी हड्डियों में अभी कितनी ताकत बाकी है और हमारा उसका लेवल कितना है वो हम यहाँ चेक करते हैं, जो अभी तक यहाँ रीवा में कभी किसी के यहाँ इस तरह का टेस्ट नहीं रखा गया वो हमने आज यहाँ ऑर्गेनाइज कराया। ये तो हो गई बोन की बात, और कुछ खास है आपके यहाँ उसके बारे में भी जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे जी। हमारे यहाँ ये यहाँ पर क्या हो रहा, किस तरीके की जांच हो रही है? ये फिजियोथेरेपी है, ये फिजियोथेरेपी का स्टॉल है, यहाँ फिजियोथेरेपी भी कर रहा जी, यहाँ पूरा फिजियोथेरेपी भी दे रहे हैं। बच्चों के लिए भी हमारे डॉक्टर साहब आए हुए हैं, गायनी के डॉक्टर आए हुए हैं, खरे साहब आए हुए हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, डॉक्टर खरे जी हैं, बच्चों का पूरा ट्रीटमेंट देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके के बच्चों के मरीज ज्यादा आए अभी? आज तो नॉक्टर्नल एनुरेक्सिस मतलब बिस्तर पर पेशाब करने वाले मरीज मुझे ज्यादा मिले यहाँ पर, पता नहीं क्या कारण। बिस्तर में पेशाब करने वाले छोटे बच्चों की आमतौर पर समस्या, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एक बड़ा सवाल यह कि इस समय ज्यादा मरीज आए। जी जी जी, ये आपका ब्लड टेस्ट का चल रहा है यहाँ, मतलब जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं उनका हम यहाँ पूरा ब्लड टेस्ट करवाते हैं, हर तरह की जाँच यहाँ पास हो रही है। इसका सीधा सा अर्थ है, जिस तरीके से आज एक हम लोगों ने एक जगह और भी है वो भी मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, जैसा कि साफ तौर पर मुझको बताया गया यहाँ पर पहली बार डॉक्टर अखिलेश बता रहे थे कि लंगर का इंतजाम भी यहाँ पर पहली बार देखने में नजर आया, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हाँ जी, यहाँ हम दवाइयाँ एकदम निःशुल्क दे रहे हैं, और इसके बाद भी जैसे किसी को दवाइयों की जरूरत होती है हमारे यहाँ 24 घंटे यहाँ निःशुल्क होम्योपैथिक अस्पताल चलता है, वहाँ उनको दवाइयाँ और उनका इलाज फ्री करते हैं। सिंह गुरुद्वारा कमेटी की सबसे खास बात, जैसा कि आपने देखा डॉक्टर अखिलेश जो यहाँ पर आए हुए थे उन्होंने बताया कि हम मैं पहली बार देख रहा हूँ खाने का इंतजाम भी, तो छोटी छोटी रजिस्ट्रेशन के बाद
पैथोलॉजी, बोन टेस्ट, फेफड़े के बारे में, साथ ही दवा का निःशुल्क वितरण। यही नहीं, आज के बाद भी अगर आपको दवा की जरूरत है तो वो भी हम उपलब्ध कराएंगे। कुछ इस तरीके से कहना था इस गुरुद्वारा सिंह कमेटी का। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत।